हेलो माय यूट्यूब फैमिली, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सबसे पहले आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपकी प्यार और सपोर्ट से मैंने 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर लिए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, और इस बारिश के मौसम में किसे तीखा, चटपटा, मसालेदार खाना खाना पसंद नहीं है। मुझे लगता है सभी को पसंद होगा। तो लीजिए, हाजिर हूँ मैं आपके सामने एक और नई रेसिपी के साथ, जिसे आप इस बारिश के मौसम में चाय के साथ बना के खाएंगे ना तो मज़ा ही आ जाएगा। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है आलू की कचौड़ी, जिसको बहुत लोग आलू की पूड़ी भी बोलते हैं। आलू की कचौड़ी तो हम सभी ने रेस्टोरेंट में, ढाबे पे, हर जगह खाई हुई है। तो आज हम इसी टाइप की आलू की कचौड़ियाँ बनाएंगे, बिल्कुल जैसे ढाबे पे होती है ना, एकदम खस्ता करारी कुरकुरी, बस बिल्कुल उसी प्रकार की आलू की कचौड़ियों को आज हम बनाएंगे, और उसी टाइप के मसाले इस्तेमाल करते हुए। और उसी के साथ में कुछ आप लोगों से टिप्स भी शेयर करूंगी, जिससे आपकी आलू की कचौड़ियाँ एकदम दमदार बनेंगी। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। आलू की कचौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा लगा लेते हैं। उसके लिए मैंने इसमें 2 कप आटा लिया है, और इसमें करीब 1/2 चम्मच नमक लिया है। नमक हमें कम लेना है, क्योंकि हम स्टफिंग में भी नमक डालेंगे। इसके साथ में ही मैंने 1 चम्मच करीब अजवाइन ली हुई है, इसको ऐसे हाथ से क्रश करके डालेंगे। और कचौड़ियों को खस्ता कुरकुरा बनाने के लिए हम इसमें करीब 1/2 कप मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। आप लोग चाहें तो इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। आटे में सारी चीज़ें डाल दी हैं, अब हम इसे पानी की मदद से गूंथेंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, मेरा आटा लग गया है। अब हम आलू की स्टफिंग के लिए मसाला रेडी करते हैं। मसाले के लिए मैंने करीब 2 बड़े चम्मच साबुत धनिया लिया है, 1 चम्मच जीरा लिया है, और 1/2 चम्मच काली मिर्च ली है, और 1 चम्मच मैंने सौंफ ली है। सौंफ का टेस्ट इसमें काफ़ी अच्छा आता है, इसलिए सौंफ आप ज़रूर डालें। इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से पीस लेना है। ये देखिए, एकदम ऐसे पीसना है, दरदरा सा, एकदम फाइन पेस्ट या पाउडर इसका नहीं बनाना है। चलिए, हमारा मसाला तो रेडी हो गया है, और अब हम आलू की स्टफिंग तैयार करते हैं। आलू की स्टफिंग बनाने के लिए एक पैन लेना है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डालिए, और जो हमने मसाला पिसा हुआ था ना दरदरा सा, वो सारा मसाला इसमें डाल देंगे। और हमें कोई भी मसाला इसमें नहीं डालना है किसी भी तरह का। इस मसाले को हमें धीमी आँच पर भूनना है। मैंने इसमें करीब 1 गाँठ प्याज काट के डाला है। ये एकदम ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डालें, अगर आप चाहें तो ना डालें। मुझे इसमें प्याज का टेस्ट अच्छा लगता है, इसलिए मैंने डाला है। लेकिन आप अगर इस तरह से बनाएंगे तो आपकी कचौड़ियाँ बहुत अच्छी बनेंगी। उसके बाद में मैंने इसमें 1 हरी मिर्च डाली हुई है। इन सब सारी चीज़ों को अच्छे से भूनने के बाद में हम इसमें करीब 1 चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, और इन सब चीज़ों को अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद में हम इसमें एक सीक्रेट चीज़ डाल रहे हैं, जो कि है बेसन। बेसन डालने के बाद में इसका जो टेस्ट आता है ना, वो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकती, वो जब आप बनाएंगे ना तभी पता चलेगा आपको। बेसन को इन सारे मसालों के साथ में अच्छे से भूनने के बाद में मैंने करीब 1 चम्मच इसमें चाट मसाला डाला है। चाट मसाले डालने से इसका स्वाद ना और बढ़ जाएगा। और मैंने इसमें करीब 1/2 चम्मच नमक डाला हुआ है। ये देखिए, हमारा मसाला पूरी तरह से भुन चुका है। अब हम इसमें उबले हुए आलू डालेंगे। मैंने करीब 5 से 6 आलू लिए थे, आप जिस हिसाब से डालना चाहें डाल सकते हैं। उसके बाद में मैंने 1/2 चम्मच इसमें नमक और ऐड किया है, क्योंकि हमारी स्टफिंग ज़्यादा है और हमारा नमक कहीं कम ना हो जाए। इन सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में अब हम जो स्टफिंग हमने तैयार की थी ना, उसकी छोटी छोटी बॉल्स बना लेंगे। इससे क्या होगा ना, जब हम अपनी कचौड़ियों में इनको भरेंगे तो हमारे हाथ बार बार गंदे नहीं होंगे, और हमारी कचौड़ियाँ बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएंगी। ये देखिए, हमने सारी स्टफिंग की बॉल्स बना ली हैं।
अब हम इसको कचौड़ियों में स्टफ करेंगे। ये देखिए, हमने जो आटा लगाया हुआ था ना, वो पूरी तरीके से सॉफ्ट हो चुका है। अब जब इसकी कचौड़ियाँ हम बनाएंगे ना, तो इसकी कचौड़ियाँ उतनी ही करारी बनेंगी। ये देखिए, इस तरह से हमें गोल गोल इनको कर लेना है। अब हम इसमें आलू के बॉल्स भर देंगे। ये देखिए, हमने बॉल्स बनाई थी ना, कितनी जल्दी से हमने इसको स्टफ कर दिया इसमें, और इसको चारों तरफ से ऐसे सील कर देंगे। हमें इसको अच्छे से सील करना है, नहीं तो ये तेल में जाने के बाद में फट जाएंगी। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसको निकाल के हम साइड में रख देंगे, और इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करना है। बहुत तेज़ से प्रेस नहीं करेंगे, नहीं तो ये फट सकती हैं। ये देखिए, बिल्कुल इसी तरह से हम सारे आटे की ऐसे कचौड़ियाँ बना लेंगे। चलिए, हमारी कचौड़ियाँ तो बनके तैयार हैं। अब बारी है इनके फ्राई होने की। फ्राई करने के लिए एक कढ़ाई में तेल लें, और वो जब गर्म हो जाए तो उसमें एक एक करके अपनी कचौड़ियाँ डाल दें, जितनी भी आप डाल सकते हैं उसमें, 2, 3, 4। और ध्यान रहे, इस समय गैस की फ्लेम लो ही रहनी चाहिए, क्योंकि अगर हाई फ्लेम होगी तो हमारी कचौड़ियाँ ऊपर से जल जाएंगी और नीचे से कच्ची रह जाएंगी, इसलिए हमें गैस को लो ही रखना है। कचौड़ियों को करीब 2 से 3 मिनट तक की ऐसे ही लो फ्लेम पर पकने दें। उसके बाद में इसको उलट पलट कर दें। एक साइड से पकने के बाद में इसको पलट दें। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ दोनों साइड से अच्छे से पक गई हैं, और ये दिखने में कितनी अच्छी लग रही हैं, एकदम लग रही हैं खस्ता खस्ता कचौड़ियाँ, जैसे हम ढाबे पर खाते हैं। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ बनकर एकदम तैयार हैं। देखिए इसका टेक्सचर, देखिए ये दिखने में ही जितनी टेस्टी लग रही है ना, मैं आपको बता नहीं सकती खाने में कितनी स्वादिष्ट थी। इसमें से एक कचौड़ी को मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको हल्का सा ही प्रेस किया और ये कैसे टूट गई। इसका मतलब ये बहुत ही खस्ता बनी है, और इसके अंदर की स्टफिंग, इसका तो जवाब ही नहीं। वाओ! और इस कचौड़ी को मैंने सर्व किया है बूंदी के रायते के साथ में, जो कि लगभग हर एक का फेवरेट होता है, और साथ में इमली की चटनी। बूंदी के रायते की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। ये देखिए, हमारी कचौड़ियाँ एकदम बन के तैयार है, लग रही है ना रेस्टोरेंट स्टाइल कचौड़ी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मेरे चैनल को ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहें। थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय। खाइए, पीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।